और देखिए जी, हम कूलर बिल्डर के पास आ गए हैं, और कूलर बिल्डर के पास क्या आइटम है, क्या करते हैं, ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये इंटीरियर एक्सटीरियर का एक्सपो लगा हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहाँ वैसे तो खेती बाड़ी का काम होता है, लेकिन जहाँ पर आज जो वुडन रूफिंग, पार्टीशन, ड्राई लाइनिंग, कारपेटिंग, डेकोरेटिंग, फ्लोरिंग वगैरह जो भी है, वो सारा इनके पास जुगाड़ है। और क्वालिटी जो और पराई रही, क्वालिटी कहते हैं, बढ़िया देते हैं। और उसके बाद टीम भी है इनके पास, कंप्लीट करते हैं जब वर्क बीच में छोड़ के जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इनके पास, और स्किल्ड वर्कर हैं इनके पास, जो बहुत ही जाने के अच्छे ढंग से काम करते हैं, एक्सलेंस भी हैं, और इनकी हैबिट भी अच्छी है। भैया कहते हैं हम बड़े इको जाने के फ्रेंडली बातचीत करते हैं लोगों से, और ये हमारे से कैसे बातचीत करते हैं ये हम देख लेते हैं अभी, क्योंकि जहाँ पर हम चलते चलते पहुँचे थे, ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दोगे तो अच्छी बात है। खड़े होइए कूलर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये आपने जो कूलर बिल्डर के नाम से जो प्रोडक्ट हैं आपके पास है, तो ये कहाँ का यूज होते हैं? सर हम ना सिविल कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर केला। अगर किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट है कि आप हमें सेमी फर्निश करके दो, फर्निश करके दो, फर्जी में सारा कवर होता है, आपके इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिक का सारा काम वर्क होता है, सेंट्री का सारा काम होता है, फुल फर्निश हम मकान पूरा तैयार करके देते हैं। देखिए कहते हैं कि हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो आर्किटेक्ट देते हैं तो आर्किटेक्ट से भी आगे बढ़ गए हैं, आजकल बिल्डर नाम रख लिया लोगों ने, क्योंकि इंजीनियर थे जो इंजीनियर को भी हायर करते हैं, आर्किटेक्ट भी उनके पास ही होते हैं, तो जान के कंट्रैक्ट ही ले लेते हैं, भाई तेरी कोठी को हम फिनिश करके दे देंगे, तेरे जो प्रोजेक्ट है फैक्ट्री को फिनिश करके दे देंगे, तो ये जो चीज़ें जो हैं इसमें लगेंगी, ये जो हमारा कॉस्ट है सारा कुछ जो पहले जुगाड़ फिट कर देते हैं। तो देखिए इनका नाम है कूलर बिल्डर के नाम से, तो ये बड़ा इन्होंने बढ़िया कारोबार है इनका, तो लिखा भी हुआ है उन लोगों ने, मटेरियल कंट्रोल है इनके पास, वर्कर मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर सर्वे है, कॉस्ट एनालिटिकल है, कॉस्ट के बताएंगे भैया 10 रुपये की लगेगी, 5 रुपये की बात सही थी मैंने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही बोल दे तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, रिटर्न में पूरा कॉन्टैक्ट करेंगे, ये चीज़ लगाएंगे, पूरा रिटर्न में एग्रीमेंट होगा, बिल्कुल रिटर्न एग्रीमेंट होगा, पूरा रिटर्न होगा जी, उसके बाहर नहीं जाएंगे, कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोजेक्ट, उसका एक एक चीज़ रिटर्न में लिख के देंगे, कहते रिटर्न में सारा कुछ होगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, और इनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। और देखिए जहाँ पर कुछ ये फोटो भी दिखाने लगे हैं, दिखा दे इधर, इधर आया सोनलाल मेरी तरफ देखा कर, इधर आया देखे मटेरियल भी लिखा उन्होंने, दिखा रखा है अभी मटेरियल ये लगेगा, कौन सी कंपनी का लगेगा, उसके बाद ये सारा इनका जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो कंप्रोमाइज आप एग्रीमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें इनकी हैं। और देखिए यहाँ पर ये भी जो भी है, इस समय मार्बल हो गया, और उसके बाद रूफिंग का काम हो गया, ग्रिल का काम हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, सब चीज़ें हैं। और देखिए अभी हमने आपको दिखाया, कूलर साहब ने बताया कि हमारे पास हर आइटम जो है बहुत बढ़िया है, एक बार हमें सेवा का मौका दें, लुधियाना में ही है, तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।